घरों में पेट्स रखने वाले लोगों का जानवरों के प्रति असीम प्यार होता है, लेकिन जब घर में पिटबुल और रॉटवीलर जैसे खतरनाक कुत्ते हों तो ये न केवल दूसरों के लिए बल्कि कई बार तो उनको पालने वालों की जान के लिए भी खतरा बन जाते हैं। यमुनानगर में पिछले दिनों एक पिटबुल ने बुजुर्ग महिला को मार डाला था और ऐसे में बहुत से लोग इन कुत्तों पर बैन लगाने की मांग कर रहे थे। हरियाणा में अब इसकी शुरुआत हो गई है। पंचकुला में पिटबुल और रॉटवीलर डॉग्स को रखने पर पाबंदी लगा दी गई है और आने वाले समय में ये सभी जगह पर नियम पास होने वाला है। सबसे पहले नगर निगम पंचकुला की आम बैठक में महापौर कुलभूषण गोयल ने प्रस्ताव पास करते हुए पंचकुला में खुखार कुत्तों के रखने पर रोक लगा दी है। इस रोक के बाद अब पंचकुला में पिटबुल और रॉटवीलर मिक्स के कुत्ते रखने की अनुमति नहीं होगी। अगर किसी ने इनको घर पर रखा और अड़ोस पड़ोस में किसी ने भी नगर निगम को शिकायत की तो मौके पर ही 5,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। देश में सबसे पहले कानपुर नगर निगम ने यह प्रस्ताव पास किया था और अब हरियाणा के पंचकुला में नगर निगम ने यह प्रस्ताव पास कर दिया है। उम्मीद है कि आने वाले समय में सभी नगर निगम इस संबंध में प्रस्ताव पास कर खतरनाक कुत्तों को घरों में रखने पर रोक लगा देगी। क्या आप नगर निगम के प्रस्ताव से सहमत हैं या नहीं है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। दोस्तों, हाउस की मीटिंग सारे पार्षदों ने हर मुद्दे पर पूरी डिस्कशन के साथ सारी चीज़ें पास की गई। जितना हाउस का एजेंडा था 24 पॉइंट हमारे रखे हुए थे, 4 हमारे स्टैंडर्ड्स के एडिशनल एजेंडा थे, वो भी 4 और एजेंडा बाद में जो थे वो भी सारे के सारे हाउस ने पास कर दिए। सर, एक जो बैन लगा है कुत्तों पे, उसके बारे में बता दें। जहाँ तक जो हमारे डॉग्स के ऊपर आज हाउस के अंदर मुद्दा था, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई उन लोगों के ऊपर फाइन लगाया गया है। जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे उनके ऊपर 2,000 रुपया आज फाइन लगाया है। और 2 तरह के हिंसक कुत्ते यहाँ पर शहर के अंदर बैन किए गए हैं। जो लोगों को ज़्यादातर काटते थे और लोग उनसे काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, एक का नाम पिटबुल है, एक का रोटावेलर है, वो काफ़ी और शहरों के अंदर भी वो बैन किए गए हैं, उनको पंचकूला के अंदर बैन कर दिया।